This is not okay. This needs to stop now. तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा, लास्ट वाली लाइव स्ट्रीम में हमने जो क्रीपर आ गया ना, ओह भाई ऊपर से गिर गया भाई क्रीपर। तो पहले कमेंट्री कर देते सस्ती वाली, उसके बाद क्रीपर को मारेंगे। तो फाइनली वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सर्वाइवर सीरीज। तो यार आज हम दोबारा से खेलने जाने वाले हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सर्वाइवर। तो आप सभी लोगों को याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में हमने क्रीपर तो नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने जो किया था लाइव स्ट्रीम में जो किया था हमने, वो बनाया था विलेजर्स के लिए एक बेस। हाँ तो हमने क्रीपर आ गया, क्रीपर भागो 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 जल्दी से भागो। ओह ओह भाई अंदर अंदर आ जाओ भाई। तो जल्दी से सस्ती कमेंट्री कर देते। तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने बनाया था हमारे विलेजर्स के लिए एक प्यारा सा बेस, जो कि वो साइड में है और उसको हमें एक्सटेंड करना है, क्योंकि हमें चाहिए आयरन कोलम्स और आयरन कोलम्स से मिलेगा हमें भर भर कर आयरन। तो यहाँ पर मैंने कुछ एंडरमैन्स मारे थे जो कि रात में स्पॉन हो गए थे। तो कोई नहीं, तो चलते अभी अपना ये ट्री वाला बेस है यहाँ पर, पिक्स आ गए ना उसको मार देते। तो इससे पॉपचॉप मिल जाएगा, यानी कि रॉ पॉपचॉप मिल जाएगा इससे। तो हमने जो किया था वो लास्ट वाले लाइव स्ट्रीम में थोड़ा बहुत बेस को बड़ा किया था, और उसके बाद हम क्या करने वाले कि अभी बेस को और ज़्यादा एक्सटेंड करने वाले, क्योंकि वहाँ पर हमें अभी चाहिए आयरन गोलम, और आयरन गोलम से मिलता है हमें आयरन, जो कि हम आयरन गोलम को मार कर ले सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसकी बेस को बड़ा करेंगे और हमारे विलेजर्स के लिए एक बड़ा अलग से बेस बनाएंगे, उसमें हाउस भी बनाना है हमें। हाउस तो बाद में बनाएंगे ही बनाएंगे, अभी जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करते हैं पहले। तो चलते अभी अपने हाउस, देखो नीचे आ गया। तो यहाँ से क्रीपर गया है, नहीं देखना पड़ेगा मुझे। हाँ तो यहाँ से चला गया क्रीपर, तो कोई नहीं इसको बंद कर देते, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अंदर नहीं जाना चाहिए। और जैसे कि आपको याद होगा यार, हमारा ओपी हीरा जो हमारा माइनक्राफ्ट सर्वाइवर है, उसमें से ओपी हीरा तो गुम हो चुका है, और यहाँ पर कुछ मॉब्स स्पॉन हुए थे शायद से। तो चलते अभी जल्दी से और देखते हमारे पास कितना वो है ना। तो मैं क्या सोच रहा था, यहाँ पे थोड़ी माइनिंग करते, और पहले क्या करेंगे ना, हम लावा कितना हो सकता है हमारे पास ये सारा रख देंगे सामान। और मैं सोच रहा हूँ कि कोबलस्टोन जनरेटर बनाए यार, इसको पहले फर्नेस में लगाते हैं पॉपचॉप को। और ये बेस देख रहे हो मैंने यहाँ पर, इसको भी लाइव स्ट्रीम में किया था, जो कि ठीक लग रहा है, उतना कुछ ख़राब तो नहीं है। और ये देखो पिकेक्स रख लेते हैं सामने, और इसको अंदर जाते हैं जल्दी से। यहाँ से शिप को मारा, और यहाँ से चिकन कहाँ भाग रहा है, चिकन को मार दिया मैंने, और ये इसको मार दिया भाई। ओपी ओपी ओपी, यहाँ पर रख देते चिकन, जो कि पकता रहेगा। और थोड़ी माइनिंग करते हम यहाँ से, माइनिंग कर हमें बनाना है कोबलस्टोन जनरेटर, यानी कि जो कि लावा और वाटर को मिलने से होता है, तो वो बनाना है हमें कोबलस्टोन जनरेटर। तो बनाते हैं जल्दी से, इसको माइन करते फटाफट से, और कोबलस्टोन जनरेटर भी बनाएंगे तो उतना कुछ हार्ड नहीं होगा। तो फटाफट से माइन करते और थोड़ी बहुत वुड प्लैंक्स वगैरह कलेक्ट करते, यार हमारे पास कुछ नहीं है अभी, तो जल्दी से करते हैं कलेक्ट। मैं मिलता हूँ आपको आगे।
तो फाइनली गाइस हमने सारा लावा वगैरह ले लिया है और डर्ट भी ले लिया थोड़ी सी, जिससे कि कोबल स्टोन जनरेटर बनाने में आसानी होगी। तो पहले क्या करना है हमें, कुछ इस टाइप से डर्ट लगानी है। हाँ, तो एक एक बीच में एक ब्लॉक का गैप होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको दो ब्लॉक ऊपर तक फिल करना है और नीचे एक ब्लॉक और ऊपर नहीं ऊपर एक ब्लॉक तोड़ना है। हाँ, तो बीच का जो स्पेस होगा ना हमें, तो कुछ इस टाइप का रखना है कि एक ब्लॉक ऊपर आओ और एक ब्लॉक नीचे पानी जाए। तो इससे क्या होगा ना कि पानी वो लावा से मिलेगा नहीं और लावा ख़त्म होगा नहीं। तो यहाँ से इसको जल्दी से कनेक्ट कर देते। हाँ, तो यहाँ तक इसको लेना है और इसके साइड से कुछ इस टाइप का बेस बना देना है हमें। तो देख रहे होगे आप लोग, यहाँ से बना देना है कुछ। और डर्ट भी ख़त्म हो गया, डर्ट लेकर आता हूँ मैं अभी। हाँ, तो यहाँ से एक स्टॉक डर्ट का ले लेता हूँ मैं और जल्दी से चलकर बना देते कोबलस्टोन जनरेटर। और इधर से कुछ इस टाइप से लगाना है, एक रॉन्ग लग गया यहाँ से यहाँ, तो इसको रहने देते। हाँ, तो इसको कुछ स्टेयर टाइप का बना देंगे यहाँ से और चलते अभी ऊपर, बाकी का प्रोसेस करते। यहाँ पर हमें एक, हाँ तो एक बकेट पानी चाहिए और एक बकेट लावा, लावा ले लेते हैं यहाँ पर। लावा को इस टाइप से डाल लें और देखते हैं। यहाँ पर देखो कॉबर स्टोन बन चुका है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा ना कि जब तक हम लावा और पानी को यहाँ से उठा नहीं लेते, तब तक यहाँ पर कॉबर स्टोन बनता रहेगा। और ये इनफाइनाइट कॉबर स्टोन है, ये हमेशा बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। तो ये था हमारा कॉबर स्टोन जनरेटर आज का। और इसको ऊपर से कवर कवर कर लेगा ऊपर से इसको, हाँ ऊपर से कवर कर लेते हैं लावा वाले को सिर्फ, और वाटर वाले को बाद में। वाटर वाले को भी कर लेते यार, वाटर को भी कवर कर लेते ऊपर से और इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, क्योंकि हमें कॉबल स्टोन जो टूटेगा ना वो हमें इधर ही मिलेगा। और यहाँ से एक ब्लॉक लगा देते पीछे और यहाँ से कॉबल स्टोन तोड़ना स्टार्ट करते। तो अभी पिकैक्स बनाकर लानी होगी, क्योंकि हमारी जो पिकैक्स थी वो लास्ट में देखा होगा आपने टूट गई थी। तो यहाँ से एक पिकैक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ मैं। पिकैक्स हो गई क्राफ्ट हमारी और यहाँ से कॉबर स्टोन, ओ भाई आगे जा रहा था मैं अभी। और यहाँ से कॉबर स्टोन तोड़ देते जल्दी से, ये कहीं नहीं जाएगा अभी, कॉबर स्टोन सीधा हमारे पास आएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी उतनी। और पहले ऊपर का कलेक्ट कर लूँ और यहाँ से, तो ये क्या हो रहा है ओ भाई। तो यहाँ से तोड़ देते भाई इसको, कॉबर स्टोन को जल्दी जल्दी। और उसके बाद हमें देखते हैं कितना कॉबल स्टोन कलेक्ट होता है, उसके बाद हमें बेस को भी बड़ा करना है। तो जल्दी जल्दी कॉबल स्टोन को तोड़ते हैं, फिर देखते हैं कितना कॉबल स्टोन हुआ हमारे पास। तो फाइनली गाइस हमने बहुत ज़्यादा कॉबर स्टोन को कलेक्ट कर लिया है। और अभी हम क्या करते हैं ना कि यहाँ से बेस को बड़ा भी करना है हमें, तो यहाँ से बेस को बड़ा कर देते। और ये रैंडमली हमने जो हमारे पास जो ब्लॉक्स थे ना, जो कि हाँ टेराकोटास वगैरह, वो सारे एक साथ लाकर मैंने कनेक्ट कर दिए थे लाइव स्ट्रीम में, क्योंकि हमारे पास डर्ट ब्लॉक नहीं थे उस टाइम पर। और बाद में मैं ऑफलाइन या फिर थे शायद से हमारे पास, तो मैंने सोचा था कि एक कलरफुल बनाते, एक कलरफुल ब्लॉक वाला बनाते। तो उस टाइप का ये था जहाँ पर हमारे सारे विलेजर्स रहेंगे, उनके बेट्स रहेंगे। तो ये देखो यहाँ पर इस बेस को बड़ा करते। हाँ, तो यहाँ से इसको पीछे की साइड में लेकर जाना है कुछ इस टाइप से। और जो है ना, तो हमें क्या करना है, इसको 5 या 6 ब्लॉक पीछे लेकर जाना है, क्योंकि मैं भी स्लैब्स इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आयरन गुलम स्लैब्स पर स्पॉन नहीं होते, तो स्लैब्स नहीं लगाना है हमें। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, अभी कॉबर स्टोन भी है हमारे पास 34, देखो मैंने अभी 34 कॉबर स्टोन कलेक्ट कर लिए थे वहाँ से, हमारे कॉबर स्टोन जनरेटर से। और इसको यहाँ पर लगाते जाना है हमें, ठीक है, यहाँ पर लगाते जाना है हमें इस टाइप से कुछ। और क्या कहते हैं ना उसे,
हाँ, तो हमें बेस को बड़ा करना है, और जो आयरन गोलम्स होंगे ना वो इसके अंदर ही स्पॉन होते रहेंगे। तो क्या है ना, हमारे जोम्बी भी मरेंगे नहीं और आयरन गोलम भी स्पॉन होते रहेंगे, तो उतनी दिक्कत की बात नहीं आने वाली हमें। और हमें आयरन भी भर भर कर मिलेगा, क्योंकि एक आयरन गोलम मरती ही दूसरा स्पॉन हो जाता है। तो यहाँ पर डर्ट लगा देते हम, और जल्दी से चलते हैं हमारी मशीन की ओर। कॉबलस्टोन फटाफट से सारा काम कंप्लीट कर देते हैं यार, चलो जल्दी से। और यहाँ से सारा ये जो बेस है वो तोड़ देंगे हम, और सारा बेस को कंप्लीट कर देंगे। तो जल्दी से आप लोग देखना, ये वाला वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ज़रा भी आप इसको स्किप करोगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो जल्दी से इसको तोड़ देते हैं यार। तो फाइनली गाइस, उस वाले बेस को तोड़कर और मैं आया था अभी इस वाले बेस पर, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ ब्लॉक्स और लगाने थे तो वो कम हो गए थे हमारे पास। तो अभी यहाँ से पहले हम एक्स बना लेते हैं, क्योंकि जो फेंस है ना, हमें फेंस तोड़कर फेंस, हाँ 9 9 फेंस है और ये 27, तो इतने बस हो जाएंगे ना यार। तो देखना पड़ेगा मुझे, तो इतने तो नहीं बस हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ फेंस हमें तोड़ने भी पड़ सकते हैं, जो कि हमारे विलेजर्स के बेस के अंदर की साइड में हो गए। तो पहले इसको लगा लेते हैं फटाफट से, कुछ इस टाइप से लगाने हमें इधर से। हाँ, तो इस टाइप से लगाने हमें, और जो बच्चे कुछ है इसको भी लगा देते यार, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है अभी फेंस वगैरह की। और कुछ बच्चे, हाँ एक एक बचा हुआ है, तो एक को भी लगा देते, एक से क्या होगा। तो देखो ये यार हमारे बेस के नीचे का, तो हम क्या करते हैं ना कि इसको, ओ भाई कैट स्पॉन हो गया यार। तो कैट स्पॉन हो गए तो पक्का अब यहाँ पर जो है ना आयरन गोलम स्पॉन हो गया यार। तो एक से जो करते हैं ना कि इधर का सारा तोड़ देते हैं, क्योंकि पहले इधर की लेयर हमें कंप्लीट कर देंगे तो विलेजर्स नीचे नहीं जाएंगे। और ओ भाई विलेजर्स आ रहे हैं क्या इधर, इधर की साइड? हाँ, तो नहीं आ रहे वो। तो हम क्या करते हैं ना कि पहले, ओ भाई ये आ रहा है, नीचे ना गिर जाए कहीं पहले। ओ भाई इसको नीचे ना, कैट तू सरक जा, इसको भी टेम करूँगा यार, इसको भी टेम करूँगा हमें, क्योंकि हमें क्रीपर से बहुत ज़्यादा खतरा है, तो इसको भी टेम करेंगे हम, कोई नहीं। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि इसको भी तोड़ देते जल्दी से, और विलेजर्स बीच में मत आओ। वो भाई बीच में आ रहे, लग जाता एक आधा गलती से और आयरन गोलम स्पॉन हो जाता तो मेरी तो मैं गया था भाई। तो यहाँ पर इसको क्या करते, जल्दी से सारे ये तोड़ देते, उसके बाद जो होगा ना। हाँ, तो ये सारे तोड़ दिए हमने, और अभी इसके ऊपर टॉर्चेस भी लगाने, तो टॉर्चेस लगा देते जल्दी से। 22 टॉर्चेस हो गए। तो इससे हम क्या करेंगे ना कि पाँच पाँच छः छः जितने ब्लॉक्स का डिस्टेंस होगा ना, और एक नीचे लग गई, तो जितने जितने ब्लॉक्स का डिस्टेंस डिस्टेंस होगा उतने ब्लॉक्स में लगाएंगे हम।
और यहाँ पर लगा देते एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी लगा देते। तो चलो इसको जल्दी से कंप्लीट, ये तो कंप्लीट ही हो गया। और नीचे की साइड में भी हम लगाने हैं हमें, और एक यहाँ पर लगा देते यार, वो नीचे लग गया गलती से। और इसको ऊपर लगा देते, नीचे का कलेक्ट कर लेते। तो रैंडमली हमें बीच में भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे भी जोम्बी स्पॉन हो सकते हैं यार, तो मैं वो रिस्क नहीं चाहता। तो यहाँ पर भी लगा देते, यहाँ पर छूट गई ना, हाँ यहाँ पर छूट गई थी। तो यहाँ पर एक दो टॉर्चेस लगा देते इनके बेट्स वगैरह के, हाँ यहाँ पर एक लगा देते, यहाँ पर ठीक रहेगा इतना। तो इसको तोड़ते जल्दी से और यहाँ से बाहर निकल जाते हम। इसका मैं डोर बनाया था यार, क्योंकि मेरे पास आयरन नहीं है ना, तो मैंने वुड के डोर्स लगाए थे। तो इससे क्या हो रहा था कि विलेजर्स बाहर आ जाए, तो आयरन गोलम स्पॉन हो गया, नहीं विलेजर को मारा था मैंने भी, तो यहाँ पर नहीं हो रहा। शायद से उसे टाइम लगता है यार, रात में जॉम्बी आएंगे ना तब होगा शायद से। तो एक टॉर्च बची हुई, हम इसके ऊपर लगा देते क्राउच करके। तो इसके ऊपर टॉर्च लगा दिए भाई हमने, देखो यहाँ पर, और इसको लग भी नहीं रहा है। तो कोई नहीं, और देखते हैं यहाँ पर इनको कुछ लेके गए। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, इसको ये पीछे का गंदा वाला लुगर है, तो इसको स्क्रैप कर देते हैं। तो अभी चलते हैं हम अपने फार्म में, और वहाँ से लाएंगे कुछ फूड्स वगैरह। तो चलो जल्दी से फार्म में, तब तक देखते हैं आयरन गोलम स्पॉन होता है या नहीं। और यहाँ पर एक डर्ट ब्लॉक लगा देते हैं, क्योंकि हम जंप मार कर सीधा अपने बेस में जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देते, और यहाँ पर एक वुल वाला ब्लॉक था मेरे पास, हाँ था शायद से। नहीं भाई, इतने उस पे से मारेंगे जंप तो हम मर जाएंगे। तो कोई नहीं, पहले अपने ये वाले फार्म में चलते। और यहाँ पर देखो भाई कितने जल्दी ग्रो हो रही है, क्या कहते हैं इसे, वाटर मेलन। तो भाई देखो जल्दी ग्रो रहे, तो हम क्या करते हैं कि सारा तोड़ देते भाई, सारा फीट वगैरह सब कुछ कलेक्ट कर लेते। और यहाँ पर ओ भाई पीट रूट वगैरह सारा कलेक्ट कर लेते। और यहाँ से यहाँ पर भी सारा कलेक्ट हो चुका है गाइस। और ये देखो यहाँ पर, ओ इन्वेंट्री फुल हो गई क्या मेरी, नहीं, इन्वेंट्री फुल नहीं हुई अभी। और इसको यहाँ से वापस से लगा देते, वापस से लगाना पड़ेगा यार, जैसे ले रहे वैसे। तो कोई नहीं, वापस तो हमारा ही काम है। तो इसको बाद में है ना, जो हमारा जो बेस सूख गया है ना, ये जो डर्ट आ गया बीच में, तो उसको भी हटाना है मुझे। तो कोई नहीं, उसको भी हटा देंगे हम बाद में। और एक दो वाटर बकेट्स ला कर डालेंगे हम इसमें, जो हमारा अनलिमिटेड वाटर सोर्स है उससे। और कुछ नहीं, तो इसको जल्दी से लगा देते और चलते अपने बेस की ओर। और इसकी एक लेयर ही लगाऊंगा मैं अभी यहाँ पर, तो ये लास्ट लेयर है इसकी। यहाँ पर बीट रूट सीड लगा देते, और एक वाटर मेलन और एक उग गया भाई। तो बीट रूट सीड की जो आवाज़ है ना भाई, बहुत ही ओपी लगती है मुझे। तो यहाँ पर सीड्स लगा देते सिंपल से, कोका बीन्स तो नहीं लग सकते, तो सीड्स लगा देते हैं यहाँ पर। तो बताना यार कमेंट में कि सीड्स लगाने तक आयरन गोलम स्पॉन होगा या नहीं, तो कमेंट में जल्दी से बताओ यार। और एक आ गया भाई वाटर मेलन, दो वाटर मेलन, एक तो हमने अभी तोड़ा ना, और ये दूसरा। तो इसको भी तोड़ कर कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से, और ये भी कलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि हमारे, हाँ तो हमारे एनिमल्स को ब्रीडिंग करवाएंगे यहाँ पर। और ये इसको फीड करवा दिया मैंने, तो और एक चाहिए हमें। और इसके ऊपर बैठ कर देखते हैं इसको खाएगा क्या, नहीं खाएगा। तो हम चलते अपने एनिमल्स के पास और इनको यहाँ से खिलाते। तो अंदर ही जाना पड़ेगा मुझे इनको खिलाने के लिए। और तो चल बाहर, तो इसको भाई अंदर आ गए हम, एक ही पिक बचा हुआ है शायद से हमारे पास। और यहाँ पर कुछ मशरूम काउस है, और इनको खिला देते हैं कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा। सब सब आ जाओ भाई, जितनों को मिल रहा है सब खा लो, सब खा लो, सब खा लो। तो यहाँ पर देखो वो तो बहुत ज़्यादा हमारे पास वो शिप वगैरह, और दो बेबी शिप्स आ चुके हमारे पास। तो यहाँ पर इनको भी बड़ा कर देते जल्दी से। और तो ये वाली शिप तो बड़ी हो गई, और एक दूसरा था, हाँ ये वाला, इसको भी खिला देते हम जल्दी से, इसको भी बड़ा। तो ये भी बड़ी हो चुकी है, तो अभी सिर्फ तीन ही बचे मेरे पास। तो खिलाओ या नहीं इनको, जाने देते। तो हम बाहर चलते अभी, हाँ तो इसको बंद कर देते बाहर आकर, और ये शिप थी इसको मार देते। तो यहाँ पर डोंकी के हमारे चेस्ट में क्या, ओ भाई
वुड, इतनी सारी वुड पड़ी हुई है यहाँ पर, और मैं कह रहा हूँ कि वुड कहाँ चली गई मेरी। और टेराकोटास जो हमने बनाए थे ना, वो टेराकोटास भी हमारे, तो कोई नहीं, बाद में आकर ले जाऊँगा मैं सारा के सारा। तो यहाँ से मैंने अभी वो ले लिया कि, तो इसको वुल को आगे एक लगा देते यार, वुल को आगे एक, तो यहाँ पर जंप कर पाएंगे हम अभी, भागते स्पीड रन में जंप कर पाएंगे हम अभी। तो कोई नहीं, तो चलते अभी जल्दी से आगे। नहीं, जंप नहीं, ओ भाई जंप नहीं करना है हमें अभी। तो यहाँ पर ये वाला काम यहीं पर ख़त्म होता है हमारा। और यहाँ पर इनको थोड़े बहुत कैरेट्स देंगे या फिर बीट रूट्स देंगे, देखते हैं ये खाते हैं या नहीं। तो चलते हैं यहाँ पर और इसके पास बीट रूट्स फेंकते हैं यहाँ पर। बीट रूट्स कितने मेरे पास, और एक कैट स्पॉन हो गई भाई यहाँ पर। कैट स्पॉन होती है, डिस्पॉन होती है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। और बीट रूट भी यहाँ पर हम फेंकते हैं इनके पास, देखते हैं। हाँ उठा लिया भाई इसने, जाते उठा लिया। और नाइट भी हो गई शायद से, सो रहे नहीं, हाँ तो नाइट हो गई और ये सो रहे। और एक कैट घूम रही है भाई इधर उधर, क्योंकि क्रीपर ना है अंदर, क्रीपर अंदर आ गया तो दिक्कत हो सकती है। तो चलते हैं हम अभी ऊपर, और हाँ अभी नाइट में देखेंगे हम कि जोम्बी आता है तो क्या आयरन गोलम स्पॉन होगा। तो चलते अपनी बालकनी में और देखते हैं बाहर का नज़ारा, और यहाँ पर नाइट होने दो थोड़ी सी, उसके बाद जाएंगे हम बाहर। और फाइनली गाइस यहाँ पर एक लगा देते हमारा, क्या कहते इसे, तो कुछ भी हो, तो फेंस फेंस लगा देते हैं, हाँ फेंस कहते हैं ना इसे। तो हमारे डोर्स वगैरह तो बने ना, क्योंकि पता चले क्रीपर पीछे से आके धप्पा कर दे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग हमारा पीछे का ट्री बेस, और कहाँ है, ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हुआ यार अभी तक। और हमारा वर्ल्ड भी कितना बड़ा लग रहा है यार, वो वाला हाउस तोड़ने की वजह से। और एक स्केलेटन स्पॉन हो गया वहाँ पर, और नीचे हुई या नहीं, तो पीछे एक ज़ॉम्बी विलेजर, और सामने, ओ भाई सामने इतने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए भाई। और यहाँ पर देखो भाई ऊपर से क्या अच्छा जंप मार पाई, ओ भाई मैंने गलती कर दी ना यार, ये यहाँ पर जंप मारेंगे ऊपर से, तो ये जंप मार कर विलेजर्स को मार सकते हैं यार। तो जल्दी से, तो चलो यार जल्दी से मॉर्निंग कर देते हैं, क्योंकि हमें विलेजर्स को मरवाना नहीं अपने। और तो नाइट, तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज यहाँ पर, और चलते जल्दी से अपने विलेजर्स के पास। और यहाँ से तो जंप मारने नहीं गया यार, तो ओ भाई यार कितना तमाशा। और आयरन गोलम क्यों स्पॉन नहीं हुआ अभी तक, शायद से उसका कोई टाइम होता है या फिर लिमिट होती है शायद से। तो चलते हम अपनी जल्दी से अपने विलेजर फार्म में, और देखते हैं विलेजर्स के हाल की कितने, एक तो विलेजर गया हमारे सामने और दूसरा विलेजर का हाल क्या है देखते। और तो चलो यार गाइस एक विलेजर चला गया हमारा। तो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो, और जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ज़्यादा वीडियो हो चुकी है हमारे चैनल पर, और 1 ईयर भी कंप्लीट होने वाले हमारे चैनल को।